नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बाय द पॉइंट ऑफ अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, एक जनरली जो हमको पता होना चाहिए, जैसे हमको पता है भारत की राजधानी दिल्ली है, ये किसी भी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे ही बहुत ही ज़रूरी है आज का जो वीडियो है, अगर कोई इंटरेस्टेड है जानने में यूपी पुलिस में मेडिकल कैसे होता है, ये कांस्टेबल और एसआई, ये दोनों के बारे में है। तो खासकर तो ये वीडियो बनाई जा रही है जो अभी भर्ती प्रचलित है उसके लिए, उसी से रिलेटेड नोटिस आया है, तो उनसे बात करते हुए फिर उसके बाद बात करेंगे। बहुत ही अच्छा नोटिस है और ये टेक्नोलॉजी की देन है कि हमें इतनी सारी जानकारी प्राप्त हुई है, तो पूरा डिस्कस करेंगे। और आपको ये जानना में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कैसे होता है, तो ये आपको वीडियो पूरी देखनी चाहिए। तो अभी जो भर्ती प्रचलित है 49,568 कांस्टेबल की, 49,568 2018 की है, उसमें एक नोटिस पुलिस अधीक्षक कार्मिक साहब का आया है 1/9/2020 को, ये रिलीज हुआ है। इसमें लिखा है कि 4 तारीख को शाम को 4 बजे अपर पुलिस महानिदेशक सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, और कॉन्फ्रेंसिंग में क्या क्या जानेंगे, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये जनरल हो जाएंगे, अब आगे जो भी प्रोसेस रहेगा उनके लिए जनरली इस तरीके से प्रक्रिया चलेगी, तो ये आपको जनरली जानने के लिए जरूरी है। मैंने पूरा नोटिस पढ़ डाला और पढ़ के बहुत सारी चीजें मुझे भी पता लगी हैं, उनको डिस्कस करेंगे। वो कॉन्फ्रेंसिंग में जानेंगे कि जिला स्तरीय चिकित्सा बोर्ड का गठन हुआ नहीं हुआ, जिसमें 3 डॉक्टर्स का पैनल होता है। अपीलीय चिकित्सा परीक्षण हेतु मंडलीय चिकित्सा बोर्ड का गठन हुआ कि नहीं हुआ, ये मंडलीय चिकित्सा बोर्ड क्या होता है ये जानेंगे। और एक सब इंस्पेक्टर की देखरेख में हेल्प डेस्क बनेगी, जिसमें सब इंस्पेक्टर रहेंगे उनके इंचार्ज, और जो उनकी टीम रहेगी वो हेल्प डेस्क बनी है नहीं बनी है, कॉन्फ्रेंसिंग में इसका चर्चा होगी। और कोविड 19 होता है CO4 कोरोना, VI4 वायरस, D4 डिसीज, कोरोना वायरस डिसीज 19, क्योंकि 2019 में आई थी। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट SOP दिशा निर्देशों का पालन होगा, इसकी पूरी तैयारियां हैं या नहीं। और जो भी आपके मेडिकल के लिए हाइट, चेस्ट और मेडिकल, तो ये यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है पॉइंट कि मेडिकल में भी एक बार तो DVPST में और एक बार मेडिकल में भी आपके हाइट चेस्ट होती है। और अन्य पॉइंट जो आपको, जो सर को इम्पोर्टेंट लगेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो जो नोटिस है वो 53 पेजेस का नोटिस है, 14,000 सिविल पुलिस कांस्टेबल के लिए है, और गृह जनपद यूपी में जिसका नहीं है, जिस बच्चे ने मध्य प्रदेश से, बिहार से या कहीं से फॉर्म भरा है और उनका जनपद यूपी में नहीं होकर अन्य राज्यों में है, तो उन्हें बहुत दिक्कत थी कि हमारा मेडिकल कहाँ होगा। तो लिस्ट आपको दिख रही है स्क्रीन पर, आपका मेडिकल यहाँ होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आगे आते हैं, पुलिस लाइन में मेडिकल होगा, तो ये किसी और जनपद की में होगा नहीं, बाहर जनपद के, बाहर राज्यों से अगर आप हैं तो आपके नियरेस्ट बाउंड्री पे, राज्य की बाउंड्री पे जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है उसमें मेडिकल करा रहे हैं। और जो जिस डिस्ट्रिक्ट का, यूपी का अगर नागरिक है तो जो जिस डिस्ट्रिक्ट का है उसी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस लाइन में उसको बुलाकर मेडिकल कराया जाएगा। बिल्कुल भी मोबिलिटी नहीं होगी कि आप यहाँ के रहने वाले हैं, गाजियाबाद के रहने वाले तो बरेली होगा, गाजियाबाद वालों का गाजियाबाद में होगा, बरेली वालों का बरेली में होगा। और अगर किसी को मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उस कैंडिडेट को सेम डे अपील करनी होती है, ये प्रक्रिया है, ये एक जनरल पॉइंट है, चाहे SI का मेडिकल हो चाहे कांस्टेबल का मेडिकल हो, अगर आपका कोई पॉइंट बना दिया गया है तो आपको सेम डे अपील करनी होगी। अभी जो मैंने बताया था मंडलीय चिकित्सा बोर्ड, उसमें आपकी ये अपील जाएगी और अलग दिन आपको दे दिया जाएगा, उस दिन आप जाके रीचेकअप कराएंगे मेडिकल का, और उस दिन आपका अगर फाइनल रिजेक्ट कर दिया उसके बाद अपील नहीं हो सकती। लेकिन ये याद रखें कि ये जो आपका पॉइंट दिया है आपको सेम डे, जिस दिन आपका मेडिकल हो रहा है उसी दिन शाम को आपको बताया कि आपका ये पॉइंट है, इसलिए हम आपको एक सस्पेंस में रख रहे हैं कि मेडिकल में आप अनफिट हैं, तो अनफिट हैं तो आपको सेम डे उसी दिन अपील डालनी पड़ेगी, उसके दिन के बाद अगर अपील डालेंगे तो आपका नहीं बात बन पाएगी, फिर कोई अपील सुनी नहीं जाएगी। अगर किसी पे मुकदमा या किसी का फैसला नामा है, या किसी का फैसला अभी निर्धारित होना बाकी है, मुकदमे का फाइनल नहीं हो पाया,
तो वो आपको एफिडेविट में ओपन कर देना चाहिए। एफिडेविट में ओपन करके आपका ये फैसला, जिस जिले में मुकदमा हुआ है, जिस जिले में आपके ऊपर कोई भी ऐसा केस लगा हुआ है, उसका फैसला उसी जिले के मजिस्ट्रेट साहब से, कि आपके जिले के पुलिस अधीक्षक उसी जिले के मजिस्ट्रेट साहब को, जैसे आप हापुड़ के रहने वाले हैं और हापुड़ में ही आपके ऊपर केस हुआ है और हापुड़ के रहने वाले हैं, आपका केस हो गया मुरादाबाद में कोई, तो मुरादाबाद के जो जिला मजिस्ट्रेट हैं वो उस केस को देखेंगे और अपनी आख्या और अपना आपको बुलाएंगे, बुलाकर आपके बयान लेंगे और बयान के साथ अपनी आखिर रिपोर्ट ये भर्ती बोर्ड को प्रेषित करेंगे और फिर ये मामला आगे जाके डिसीजन रहेगा कि आपका चयन करना है या नहीं करना है। ये मुकदमे का है। मिसबिहेवियर, आप जब मेडिकल कराने जा रहे हैं तो मिसबिहेवियर आपके साथ यदि कोई स्टाफ करता है, खासकर ये लड़कियों के लिए उसमें हाईलाइट हुआ है नोटिस में, कि अगर लड़की के साथ कोई भी बदतमीजी या इस तरीके से हुआ है तो जो आपको बदतमीजी कर रहा है आप उसके साथ ना तो बदतमीजी करेंगे ना उससे उसको उस चीज का जवाब देंगे। आप किसी भी सीनियर से या जो हेल्प डेस्क है उससे जाके उस आदमी की कंप्लेंट कर देंगे कि सर इस तरीके से मेरे साथ बदतमीजी हो रही है। ये तरीका नहीं है कि आप उसी के साथ मुंहजोर करने लगे तो कहानी उल्टी हो जाएगी। अब मिसबिहेवियर ये तो हो गया कि अगर कोई स्टाफ आपके साथ करता है, और अगर आपने किसी स्टाफ के साथ मिसबिहेवियर करा, आपने किसी प्रक्रिया में अड़चन डाली या आप किसी के साथ बदतमीजी पर उतारू हो गए, बदतमीजी मतलब जब आपसे कोई बदतमीजी कर रहा था और आप वापस बदतमीजी करने लगे तो उसकी गलती छुप जाएगी, आपकी गलती निकल के आ जाएगी, तो इसका अंजाम इतना भी हो सकता है कि आपके नियुक्ति पत्र पर विचार किया जा सकता है, आपका नियुक्ति निरस्त की जा सकती है, आपका आवेदन ही कैंसिल हो जाएगा। तो किसी से ना बदतमीजी सहन करनी है और ना किसी से बदतमीजी करनी है, दोनों का तरीका मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं कि मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। बहुत दिन से आप परेशान थे तो बिना नोटिस के डॉक्यूमेंट्स कैसे पता लग सकता है। जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आपने चाहे ट्वेल्थ की हो, चाहे ग्रेजुएशन की हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, जो भी की हो आप ले जाइए। अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, इसमें कई स्टूडेंट्स के मेरे पास कॉल आए थे कि जो आपका स्कूल है या कॉलेज है वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने से मना कर रहा है, वो कह रहा है आपने यहाँ से 5 साल पहले ट्वेल्थ पास की थी, अब हम आपको चरित्र प्रमाण पत्र कैसे दे दें, 5 साल पहले आपको दे दिया, अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा कोई भी स्कूल है तो हम किस लिए बैठे हैं, तुरंत 112 नंबर डायल कीजिए, प्रिंसिपल साहब से या किसी भी टीचर से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है, 112 नंबर डायल कीजिए और जैसे ही आपके पास पुलिस पहुंचेगी पुलिस को बताइए बड़े प्यार से कि सर ऐसे ऐसे मैं भर्ती में हुआ हूं और उसमें चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है और प्रिंसिपल साहब मना कर रहे हैं। पुलिस आपकी हेल्प करेगी और आपको चरित्र प्रमाण पत्र दिलवाएगी क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है और लेटेस्ट प्रमाण पत्र चाहिए। जब भर्ती बोर्ड मांग रहा है तो स्कूल अपने आप ही अबाइड बाई देयर ड्यूटीज हो जाता है, उनको बाउंड कर देता है भर्ती बोर्ड खुद कि उनको चरित्र प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। एवं निवास प्रमाण पत्र, जो OMR आवेदन, निवास प्रमाण पत्र क्या होता है, मूल निवास, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, पत्र में दर्शाए गए, तो जब आपने एप्लीकेशन भरा था, एप्लीकेशन फॉर्म, उस समय जो आपने मूल निवास लगाया था। अब ऐसा क्यों है कि उस समय का चाहिए, क्योंकि उनके पास आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपकी फाइल में, उसी से वो मिलान करते हैं आपके इन योग्यता प्रमाण पत्रों का कि हाँ इसका नाम ये है, इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है, मार्कशीट चेक करेंगे, हाँ ये वाला वही वाला, वैसे ही आपकी इसकी चेक करेंगे, आप DV में करवा के आ चुके होंगे, तो वो वही लेके जाना है, और मूल मतलब ओरिजिनल और दो दो स्वप्रमाणित, स्वप्रमाणित मतलब दो आप कॉपी निकलवा के उस पर अपने साइन कर लेना, हो गई स्वप्रमाणित, गजेटेड ऑफिसर से नहीं चाहिए, याद रखने लगा। आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, आरक्षण क्या है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, OBC SC ST, वो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास, जो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे लगाया था, एक ओरिजिनल और दो उसकी कॉपी, अपने हाथ से स्वयं प्रमाणित अपने हाथ से साइन कर लेना। दो लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पहले भी बता चुका हूं और दोबारा बता रहा हूं, एक A4 साइज पेपर लेना या प्रधान का लेटर हेड लेना, उस पर लिखना प्रमाणित किया जाता है कि मैं फला सनो फला कौन है, आप को इतने वर्षों से जानता हूं, भली भांति जानता हूं और इसका चरित्र उत्तम क्वालिटी का है, प्रधान के साइन करवा लेना। और अगर प्रधान नहीं कर रहे हैं, गांव में राजनीतिक मामला है, तो आप दो ऐसे कोई भी ऐसे व्यक्ति जो ये प्रमाणित कर रहे हैं आपको, उनसे चाहे अलग अलग पेपर पे करवा लेना, चाहे एक पेपर पे लिख के दोनों के साइन करवा लेना, हो गया ये वाला, दो लोगों का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है।
अब इनमें कोई डॉक्यूमेंट अगर आपका खो गया तो उसका आप एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हैं और नया बनवा लेना, और 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये लेके जाने हैं। आईडी क्या है? वोटर आईडी कार्ड, मतलब फोटो युक्त पहचान पत्र आपको होना चाहिए जिसमें फोटो हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज, मतलब जो पासपोर्ट होता है वो, इनमें से कोई एक आईडी आपको ले जानी है। आईडी ले जाना ओरिजिनल और उसकी दो कॉपी करके उसको भी प्रमाणित कर लेना, वैसे लिखा नहीं है इसके बारे में लेकिन आप अपने लिए कर लेना। अगर कोई बंदा मेडिकल से एब्सेंट है तो एब्सेंट का क्या होता है, सक्षम अधिकारी इस बात पर विचार कर सकते हैं एब्सेंट अगर कोई है कि उसका आवेदन या उसका जो सिलेक्शन है उसको निरस्त किया जा सके। मोस्ट केसेस में ये होता नहीं है क्योंकि दूसरे स्टेट से बच्चे आते हैं या कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेडिकल बनवा लेते हैं और एक दो दिन बाद वो जाके पहुंचते हैं तो उसमें उनकी अपील सुन ली जाती है, स्वीकार कर लेते हैं अगर कोई जेन्युइन चांस उसको लगता। अगर आप बिना जेन्युइन कारण के और उपस्थित नहीं हो पाए तो आपका कैंडिडेचर लिएबल टू बी टर्मिनेटेड। प्रतिलिपि प्रभारी निरीक्षक, इसकी प्रतिलिपि मतलब अब आप कह रहे हैं कि बार बार के लिस्ट कब आएगी, लिस्ट कहाँ है, तो आपके जो कैंडिडेटर है उसकी लिस्ट नहीं आती है। पिछला नोटिस में साफ साफ बताया था कि 01/09/2020 को अपने अपने जिले से कांस्टेबल लखनऊ जाएंगे आपकी फाइल रिसीव करने के लिए, फाइल को लेके वापस आपके जिलों में आएंगे, तो जिलों में फाइल आ गई है तो जिले से ये इसका कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए पूरा आपका कॉल लेटर बन गए, जो थाने अध्यक्ष हैं SO, SHO, उनके पास आएगा, वो आपके पास आपके घर कांस्टेबल भेजेंगे इस लेटर को पहुंचाने के लिए, और आपके घर पे यदि कोई नहीं मिला है तो आपके परिवार का कोई सदस्य मिलेगा, उस परिवार के सदस्य से ये साइन कराएंगे और आपको फोन से, ईमेल से, मैसेज से, जिस भी तरीके से आपको सूचना करनी होगी, आपको सूचना करने का जिम्मेदारी इनकी है, तो ये आप टेंशन ना लो, उस वर्क का उत्तरदायित्व, उस काम का उत्तरदायित्व इनका है, किसी भी तरीके से आपको सूचित कर दिया जाएगा या आपके फैमिली मेंबर्स को, या आपने अगर एड्रेस चेंज कर दिया है तो आपके आस पड़ोस में बता देंगे, आस पड़ोसी से आपका नाम नंबर जो भी है वो लेके आप तक सूचना पहुंचानी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, अब चलेंगे मेडिकल में होता क्या है। तो पहले ऑलरेडी पूरी वीडियो बन चुकी है लेकिन वो ज़्यादा ही डिटेल्स हैं, तो बेसिक बेसिक आते हैं जो जो बाकी में चेक होता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक अन्य शब्द लिखा है तो पहली वीडियो भी इस अन्य शब्द पे सक्सेसफुल हो जाती है, मेरी पहली वीडियो जो है, लेकिन अन्य पे ज़्यादा फोकस नहीं होता है इसलिए ज़्यादा डराने की इच्छा नहीं है बिल्कुल भी। तो सबसे पहले हाइट, चेस्ट, वेट, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हुआ था, DVPST फिजिकल टेस्ट। तो ST कैंडिडेट ये बॉयज़ के लिए है, ST कैंडिडेट की हाइट 160 चाहिए, अदर की 168 चाहिए, चेस्ट बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर, ये ST कैंडिडेट के लिए, अदर के लिए 79-84 है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव सबके लिए कंपलसरी है, और वेट सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये मिनिमम 40 किलोग्राम होना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए। अगर 100 किलो का कोई लड़का है, और हमारा ये यूपी पुलिस का मानना ये है कि 100 किलो का अगर है और उसने 5 किलोमीटर कंप्लीट कर दिया है तो फिट है, तो इसलिए अपर वेट का कोई लिमिट नहीं है और लड़कों के लिए लोअर वेट की भी कोई लिमिट नहीं है, एक सिर्फ लड़कियों के लिए काम करता है वेट वाला। उसके बाद नौकनी आते हैं, नौकनी आपको पता है आपके घुटने नहीं मिलने चाहिए, बोलैक्स आपको पता है कि आपके घुटनों के नीचे जो आपका एंगल है वो डॉक्टर्स देखेंगे, फ्लैट फीट आपको पता है, आपका जो तलवा है जमीन से मिलना चाहिए, वेरिकोस वेंस आपकी नस फूल नहीं चाहिए, बहुत से लोगों को बीमारी होती है, स्पीच डिएबिलिटी कि बोलने में आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है, अन्य, तो ये अन्य में ये आपको डॉक्टर, आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं, हाल तो डॉक्टर बहुत अच्छे होते हैं इस पे पॉइंट पे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आपकी शकल अच्छी नहीं लगी तो अन्य में वो क्या चेक कर ले वो डॉक्टर का ना, वो उसके ऊपर बात है। तो वैसे डॉक्टर्स इस तरीके से रेसिस्ट वगैरह होते नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मली जैसा मेरा करेंगे ऐसे आपका करेंगे, वैसे तीसरे का, चौथे का, सबका वैसे करेंगे। तो इसके बाद आ गया हियरिंग श्रवण परीक्षण, कान टेस्ट होते हैं। कान टेस्ट में क्या है, कान टेस्ट में है रिन्नीज टेस्ट, वेबर्स टेस्ट, विडिगो। अब ये कौन से टेस्ट होते हैं मुझे पता नहीं है, मैं तो इतना बता सकता हूँ कि उनके पास एक मशीन होगी, मशीन आपके यहाँ पे लाएंगे, वो मशीन बोलेगी इस तरीके से, मशीन बोलेगी तो यहाँ से दोनों कानों में आवाज जाएगी, यहाँ पे लाएंगे वो बोलेगी, यहाँ पे लाएंगे वो ऐसे इस तरीके से साउंड करती है हल्की हल्की। अब डॉक्टर साहब क्या करेंगे, आपके यहाँ पे लाएंगे वो मशीन नहीं बोलेगी तो आपको लगेगा कि मुझे सुनाई नहीं आ रहा, तो
तो वो बोलेंगे आवाज आ रही है, आप हाँ मत बोल देना, अगर आवाज आ रही है तो आवाज आ रही है, अगर नहीं आ रही तो नहीं आ रही, बात खत्म। वो किसी बार बंद करके लाएंगे, किसी बार यहां बंद करके लगाएंगे, किसी बार यहां ओपन करके लगाएंगे, उसकी आवाज आ रही होगी। तो जब आवाज आए क्लियरली तभी बोलना है, जब आवाज नहीं आए तो नहीं आ रही, बात खत्म। ठीक है, तो आपके अगर कानों पर भरोसा है तो आवाज आएगी आएगी, और अगर वो बंद कर देंगे मशीन को तो आवाज नहीं आएगी, बात खत्म। आइज में आंखों का भोंगापन, भेंगापन, तो ये क्या रोग है मुझे नहीं पता। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी पुलिस में मान्य नहीं है। दूर दृष्टि का क्या है, आपका आई विजन मैंने पिछली वीडियो में 6x6 बताया हुआ था, जबकि ये शासनादेश, जो शासनादेश है उसकी भी चर्चा करेंगे, उस समय से 1949 या 1951 अभी डेट बताऊंगा, तब से ही ये लागू है पुलिस पे। बीच में इसके बारे में कंफ्यूजन था, तो 2009 की भर्ती को लेकर एक आदेश 2015 में आया था, उसमें ये क्लियर कर दिया गया था और इसको सम्मिलित कर दिया गया था पुलिस के अंदर। तो 6x9 दोनों आंखों का होना चाहिए, या एक आंख का यदि 6x12 है तो दूसरे का 6x6 होना चाहिए, या तो दोनों का 6x9 हो, या दोनों का एक का 6x6 हो, एक का 6x12, बिना चश्मे का है। निकट दृष्टि 0.6 0.8, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो ये आपका मेडिकल है। इसके अलावा शरीर में कोई और परेशानी तो नहीं है, तो ये कोई और परेशानी ये डॉक्टर्स पे डिसाइड करता है कि इसके अलावा भी आगे डॉक्टर लेते हैं वो, वरना उनको भी ये पड़ी होती है जल्दी जल्दी मेडिकल कराना है, उनको भी घर जाना, तो इससे ज्यादा वो ज्यादातर चेक नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो इसी नोटिस में संलग्न है पेज नंबर 19 पे गवर्नमेंट ऑर्डर December 24, 1949 का, और उसी के तहत एक कन्फ्यूजन क्लियर करते हुए आदेश निकाला गया था, वो भी संलग्न है, जो डेटेड है April 4, 2015, उस पर डेट डली हुई है। तो गवर्नमेंट ऑर्डर का क्या महत्व है ये सरकारी कर्मचारी जानते हैं। तो ऑर्डर में लिखा गया आई विजन के बारे में निर्देश मानक के संबंध में है, तो उसमें से मैंने पुलिस का उठा लिया, बाकी सारी सर्विसेज का दिया हुआ है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल। तो कलर विजन फॉर ऑल क्लास ऑफ पुलिस सर्विसेज, ए डिफेक्टिव कलर विजन एज टेस्टेड ऑन इसी हराज प्लेटोस, तो ये कोई क्लास है कलर विजन की, तो अगर टेस्ट हो जाता है इसी हराज प्लेटो पे कलर विजन डिफेक्टेड पाया जाता है, तो ये कंस्टिट्यूट ए डिस्क्वालिफिकेशन, तो ये एक कारण बन सकता है या बनेगा कारण, शुड इसमें लिखा हुआ कहीं ना कहीं शुड कंस्टिट्यूट डिस्क्वालिफिकेशन, तो ये आपको डिस्क्वालीफाई करेगा ही करेगा। तो पुलिस में कलर ब्लाइंडनेस वाला रिक्रूट नहीं हो सकता, और ये डॉक्टर्स को भी जवाबदेही हो जाएगी अगर कोई ऐसा रिक्रूट हो गया, तो कभी भी किसी ने भी पकड़ लिया कलर ब्लाइंडनेस वाला कोई भी बंदा, तो उसी डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी जिसने इसको पास किया होगा। फंडस एंड द माफिया इज नॉट ऑफ द प्रोग्रेसिव टाइप, तो फंडस कोई बीमारी है, माफिया कोई बीमारी है, तो जिसको ये बीमारी है वो देखते ही समझ जाएगा, तो डॉक्टर से वो पहचान करवा लेगा कि ये प्रोग्रेसिव टाइप का तो नहीं है, मतलब बढ़ता तो नहीं है, रुक गया है ना। प्रेजेंस ऑफ माफिया क्रेसेंट, माफिया क्रेसेंट आंखों में कुछ होती होगी, बाई इट्सेल्फ विदाउट एनी अदर डीजनरेटिव चेंज, तो माफिया क्रेसेंट तो है लेकिन कोई भी इसमें डीजनरेटिव चेंज नहीं आते हैं। शुड नॉट कंस्टिट्यूट विदाउट एनी अदर डीजनरेटिव चेंज, तो प्रेजेंट है लेकिन कोई उसमें डीजनरेटिव चेंज नहीं है, ये डॉक्टर्स लैंग्वेज है, मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये कंडीशन डॉक्टर लिख के दे देते हैं आपको, तो शुड नॉट कंस्टिट्यूट ए केस फॉर रिजेक्शन, तो आपका इसमें रिजेक्ट नहीं किया जा सकता है आपको। तो ये चीजें गवर्नमेंट ऑर्डर में क्लियर हो गई थी, गवर्नमेंट ऑर्डर कब का है ये, और इसको शामिल कब कर लिया गया था 2009 के बाद। उससे पहले इसका ना स्टूडेंट्स को पता होता था, ना मेडिकल पैनल को पता होता था, तो ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था, कठिनाई उसमें मतलब किसी ने कर दिया होगा, किसी ने अपील वगैरह डाल दी होगी, तो ये 2015 से 2009 वाली भर्ती से बिल्कुल क्लियर कर दिया था, 2009 वाले के बाद ये चीज रूल्स अप्लाई हो रहे हैं। ये जो आई विजन है वो मैंने बता दिया है, गवर्नमेंट ऑर्डर के हिसाब से ही आया, ये 6x9 दोनों में हो या फिर 6x6 और 6x12, ये गवर्नमेंट ऑर्डर इतना ये बताता है कि इसका जो मानक है ये रहेगा आई विजन का। ठीक है, 6x12 और 6x6 हो दोनों आंख, या दोनों आंख 6x9 हो बिना चश्मे के। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 34 पे, 34 हिंदी में है, उससे ऊपर इंग्लिश में भी है, तो 34 उनके लिए है जिसके ऊपर कोई मुकदमा है,
या मुकदमे में दोष सिद्ध हो चुका है, दोष सिद्ध हो चुका है, या मुकदमा अभी विचाराधीन है, फैसले की बात चल रही है, या दोष सिद्ध हो चुका है, तो उसकी कंडीशंस उस पर लिखी हुई हैं। तो पेज नंबर 34 आप नोटिफिकेशन का पढ़ लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वो चीज़ आपके लिए, वो प्रक्रिया आपके लिए काम करेगी। तो इसमें मैं मोटा मोटा जो मैं समझ पाया वो बता दूं, दोष सिद्धि या मुकदमा नियुक्ति ना देने का कारण नहीं होंगे, दोष सिद्धि या मुकदमा नियुक्ति नहीं देने का कारण नहीं होंगे जब तक कि वो कोई देशद्रोह या देश को क्षति पहुंचाने वाला या सरकार के खिलाफ विद्रोह या कोई ऐसा कार्य जो देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा को क्षति पहुंचाता हो, या कोई ऐसा आतंकवाद या कोई ऐसा संगठन जो कि, या कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ा होना दर्शाता हो जो कि देश के खिलाफ काम करती है, या कोई ऐसा संगठन जो देश के खिलाफ काम करता है, यदि इन सब में संलिप्त है तो एक मिनट में उसका जो आवेदन है, उसका जो बोलते हैं कैंडिडेचर है, वो निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अदरवाइज छोटे मोटे झगड़े का या आपसी चुस में, आपसी झगड़े में या आपसी किसी परेशानी की वजह से आपका मुकदमा या दोष सिद्धि है, तो उसके लिए आपको 34 वाला पेज पढ़ना चाहिए। टाइम लगेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, लेकिन आपको नौकरी मिल जाएगी। 34वां पेज आप पढ़ लेना, वैसा रहेगा। तो ये मैं समझ पाया हूँ। बाकी आप, अगर आपके पास मुकदमा या दोष सिद्धि है तो आप वकील से कंसल्ट करके, और जो भी आपको वकील साहब 34वां पेज पढ़ के बताएंगे, और ऊपर नीचे इंग्लिश में है वो भी आप पढ़ लेना, आसान है, इतना कुछ खास नहीं है उसमें। मेरे को इतना समझ में आया, मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे है इंपॉर्टेंट, गर्भवती महिला, यदि लेडी, कोई महिला अगर प्रेग्नेंट है, शादीशुदा है, तो वो तो आप खोल कर रहे हैं किसमें, एफिडेविट में, कि आप पे मुकदमा है या नहीं है, है तो उसका बताइए क्या रहा उसका, वो बताइए, और आपकी एक से, आप विवाहित हैं या नहीं हैं, अगर विवाहित हैं तो आपकी एक जीवित पत्नी है, और अगर विवाहित हैं तो आपकी एक से ज़्यादा जीवित पत्नी है, सब एफिडेविट में आ जाएगा। तो गर्भवती महिला के लिए यह है, आपको मेडिकल में जाके, अगर आपने गर्भधारण किया हुआ है तो आपको मेडिकल में वो चीज़ ओपन करनी कर देनी चाहिए डॉक्टर से या डॉक्टर पैनल से, या आप सेलेक्ट हो जाती हैं, और सेलेक्ट होने के बाद आपको निर्देश दिए जाते हैं, जैसे अभी आपका 14,000 में जिसका पड़ रहा, तो सेलेक्ट होने के बाद ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको प्रेगनेंसी नहीं करनी चाहिए, एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, और अगर ड्यूरिंग ट्रेनिंग बाई चांस हो जाती है, मिस्टेक इंसान से होती है, तो अगर हो जाती है तो वो आपको बिना शर्म करे, बिना किसी से घबराए, क्योंकि इट्स अ नेचुरल प्रोसेस एंड यू आर डूइंग इट बाय अथॉरिटी, तो इसी से ही हमारा जीवन है, सब चीज़ है, तो आप इस चीज़ को ओपन कर देंगे, आपके जो भी ट्रेनिंग है, जो आपके प्रभारी साहब हैं, ट्रेनिंग के प्रभारी साहब हैं या इंस्पेक्टर साहब हैं, उस चीज़ को ओपन कर देंगे, तो आपके खिलाफ ना कोई ऐसी विधिक कार्रवाई की जाएगी, ना आपको कोई इसके बारे में सजा दी जाएगी कि आपने ये क्या कर लिया ट्रेनिंग के दौरान, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा कोऑपरेटिव सिस्टम है, गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है कानून, आपको फुल सपोर्ट दी जाएगी, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी, और उसके बाद आपको अगली बार जब ट्रेनिंग होगी, आप पूरा जो चाइल्ड है उसको हेल्दी आप बर्थ देके उसको केयर करने के लिए, चाइल्ड केयर लीव पूरा टाइम जो आपको दिया जाएगा, जो कि एक सफिशिएंट टाइप होता है दिया जाएगा, उसको एज ए लीव काउंट कर लेंगे, और आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन में भेज देंगे, जो आपका नेक्स्ट बैच आएगा उस नेक्स्ट बैच में आपकी ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। तो ऐसा है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही गर्ल्स का मामला जहाँ आता है, पूरा सिस्टम बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही सपोर्टिव है, तो इसलिए आपको कहीं भी किसी भी मौके पर डरने की ज़रूरत नहीं है, यदि कोई भी ऐसी चीज़ आपके साथ है, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस, और इसको बिल्कुल सबको बताना, मतलब आपके जो भी अधिकारी हैं उनके संज्ञान में लाना बहुत ज़रूरी होगा, इसलिए आप ये ला देना। आगे बढ़ते हैं, ये थी पूरी प्रक्रिया, इसमें
सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है, क्योंकि मेडिकल में ज़्यादातर लोग फिट हैं, सबसे पहले कोई भी धांधली नहीं होती है, तो कोई भी आप अगर आप फिट हैं तो किसी के भी चक्कर में नहीं आना। कोई अगर आपसे बोले कि पैसा ले लगता है, बिना पैसे के होता नहीं है, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर आप फिट हैं तो एक रुपया नहीं लगता। कितने बंदों के मेरे पास कॉल आए थे कि मेडिकल में जुगाड़ है, ये है वो है फलाना ठिकाना। मैंने कहा था कि भाई अगर पैसा ज़्यादा आ रहा हो तो 1,00,000 रुपये मैं तेरा दान करवा दूंगा अनाथालय में, फिलहाल तू 1,00,000 रुपये अपने अकाउंट में डाल दे, ऐसे में मैं तेरा अनाथालय में दान करवा दूंगा। लेकिन अगर मेडिकल में तू फिट ना हो तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, बशर्ते कि जो भी कंडीशन बताई हैं उसमें आप फिट हो, कोई आपको दिक्कत नहीं है, आई विजन में नौकरी नहीं है, फ्लैट फिट नहीं है, बोलैग नहीं है, वेरिकोज वेंस नहीं है। तो अगर आप फिट हैं तो बिल्कुल भी 1 रुपये ले जाने की जरूरत नहीं है। कितनों के फ्री में मेडिकल कराए हैं, जब मेडिकल करा के आ गए तो मैंने कहा भाई ये पैसा, तो वो हंसते हैं, धन्यवाद देते हैं और बस यही अपनी फीस हो जाती है। तो मेडिकल बिल्कुल फ्री है, एकदम ओपन है और सभी कर्मचारियों की जवाब दे रही है, कोई भी आपके साथ धांधली नहीं कर सकता। एक चीज, दूसरी चीज क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानने वाली, कि किसी का भी पॉइंट दिया जा सकता है। तो मैंने बताया आपको सेम डे अपील करनी है, और सेम डे अपील में 2 चीजें होंगी। एक तो आप जो अपील वाला फॉर्म करके भर के देंगे वो, एक आपसे वो रिसीविंग लेंगे कि हाँ हाँ ये आपका रिसीविंग है। एक फॉर्म के मतलब आपसे अपील ली जा चुकी है तो आप उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद साइन करना, खाली पे साइन मत करना। तीसरा फॉर्म क्या है, आपको वहां पे डेट दी जाएगी। तो मैंने एक मंडलीय परीक्षण के बारे में बात करा था कि मंडल चिकित्सा, तो इसमें जो भी आपका पॉइंट है, मंडलीय चिकित्सा क्या होती है, मंडल चिकित्सा बोर्ड, मंडल चिकित्सा बोर्ड होते हैं, जो भी आपका पॉइंट है, जैसे आंख में आपका पॉइंट है और आपने क्लेम कर दिया, अपील कर दी, आपका नौकरी में आपको लगता है नौकरी है नहीं मुझे, लेकिन गलती से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, किसी भी ऐसे पॉइंट पे जो आपको कंफ्यूज लगता है, डाउट लगता है, और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया अपील की, उसके बाद एक फॉर्म आपको भरवाया जाएगा इस मंडल चिकित्सा बोर्ड के सामने, आपको इतनी तारीख को फलां जगह पे, एड्रेस भी और डेट भी आपको दी जाएगी, आपको जाना है और आपके साइन इस पे कराए जाएंगे। तो आप उस डेट को उस एड्रेस पे पहुंचेंगे, तो जिस भी पॉइंट आपको दिया है उसके आपको एक्सपर्ट मिलेंगे 3 डॉक्टर। 3 डॉक्टर में एक डॉक्टर होंगे चेयरमैन इस कमेटी के, इस बोर्ड के चेयरमैन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी होगी, 3 डॉक्टर्स का पैनल होगा, ये एक्सपर्ट होंगे उस पर्टिकुलर बीमारी के, और ये आपको देखेंगे, देखने के बाद अपना डिसीजन दे देंगे कि हाँ भाई ये जो पिछले डॉक्टर्स ने दिया था वो पॉइंट बिल्कुल सही है, इसको नौकरी है, या इसको कलर ब्लाइंडनेस है, या इसको जो भी पॉइंट दिया था, या फिर ये कहेंगे जो पीछे पॉइंट दिया गया था वो गलत है और इसको नौकरी नहीं है, या ये नहीं है। और इनका जो डिसीजन होगा उस पर अपील नहीं की जा सकती, लेकिन जो इनका डिसीजन होगा वो भी, उसकी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पूरा अपना रिपोर्ट बना के, जो आपकी फाइल लखनऊ से आई है उसमें वो डॉक्यूमेंट लग के जाएगा, वो डॉक्यूमेंट लग के जाएगा और वापस सुरक्षित भर्ती बोर्ड के पास रखा जाएगा। तो अपील नहीं की जा सकती है, लेकिन यहाँ से समझने वाले समझ गए, ना समझे हो तो कोई बात ही नहीं है। तो ऐसा है, ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस, होल प्रोसेस बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंफॉर्मेटिव नोटिस था। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ से कुछ जानने को मिला होगा, मुझे तो बहुत कुछ जानने को मिला है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट टॉपिक के साथ, शायद इतनी अच्छी से वीडियो मेडिकल पे आज के बाद नहीं आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, करते रहिए देश की सेवा, देश के लिए कुछ भी। जय हिंद माय फ्रेंड्स। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं।